जयंत चौधरी चले गए उस पाले में, बड़े किसान सब चले जाएंगे। राजा की निगाह जिस पे पड़ेगी उसको जाना पड़ेगा। सम्मान साहब आ जाओ सुबह के नाश्ते पे, दोपहर के लंच पे आप लालच में आ जाओ, और रात का जैसे ही अंधेरा होगा तो आप डंडे जाओगे और किसान की जमीन जाएगी। अगर आप पूरे सर्वे करोगे हाईवे के, तो वो जमीन ने व्यापारी के पास में 50% जमीन व्यापारी के पास में चली गई। 2047 तक ये 80-90% जमीन व्यापारी के पास में चली जाए। जमीन है, जमीन को बचा कर रखो। 30 साल जिस आदमी ने जमीन बचा ली वो राजा रहेगा। जमीन है तो उसमें ज्यादा उपजाऊ, अगर कॉर्पोरेट क्या करना है उपजाऊ ज्यादा करके, जितनी ज्यादा पैदावार करोगे उतना ही किसान कर्ज में जाएगा। ये तो संघर्ष चलेंगे लंबे, जमीन बचानी है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। भूमि अधिग्रहण का भी बड़ा इशू है पूरे देश में, ये जमीनों को छीन रहे हैं। अब फसलों के दाम नहीं मिलेंगे लेकिन जमीन छीन देंगे। MSP गारंटी कानून वो एक बड़ा सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है। चुनाव पर तो उन्होंने काबू कर लिया, क्या काबू कर लिया? चुनाव पुनाव के उनके चक्कर में नहीं है ना, चुनाव है ना, देश में कोई चुनाव है, देश में कोई अब चुनाव है कहीं? 20 संगठन बना दिए, किसी की बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। अरे तो जो लोग जिस पार्टी में चाहे जा सकते हैं, ये तो डेमोक्रेसी है। हाँ, डर की भी डेमोक्रेसी है। अभी आएगा तो घोड़ा भाग के बड़े ज्योतिषी है, तो कैसे आती है भाई? जब जनता वोट देगी तो इनको कैसे पता है? देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आखिरकार किसान पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में उनको आना है। फिलहाल उनको पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रोका हुआ है। राकेश टिकैत है, ये परमिशन मिलने में भी, रामलीला वाले परमिशन में भी दिक्कत हुई या सब ठीक था? ऐसा ही ना, परमिशन तो 2 दिन पहले ही तो दिया गया सरकार, लिखट पत्र 2 दिन पहले ही तो होती है, तो 2 दिन पहले हुई, अभी भी जगह जगह रोक रहे, मतलब परमिशन दे दी और फिर भी वैसे रोक रहे हैं कि कुछ ना कुछ रुक जाए। 48 घंटे पहले ही आपको पता चला कि हमको यहाँ मीटिंग करने की इजाजत है? नहीं, हमें तो दो महीने पहले के मीटिंग करेंगे हम। नहीं करेंगे, लेकिन बाकायदा परमिशन कब मिला था कि आपके समर्थक आ पाए, किसान आ पाए? नहीं, किसान तो तैयारी कर रहा शुरू से ही। कल गांव वालों को ना पता किसी को परमिशन भी कोई चीज हो। कितने लोग आएंगे यहाँ? क्या पता कितने, लोगों का क्या पता कितने आ जा। ये पर... तो घरों में बैठे हुए हैं, लोगों के घर पे पुलिस भेज देते हैं, उसे बैठा लें। हमने भी बात करी, मगर भाई पुलिस जा रही वहाँ, अगर वो हालचाल जानने जा रहे होंगे, चाय पानी पीने जा रहे होंगे, मतलब डंडा नहीं चलाते ये। बहुत मिठी मार, जैसे शहद की चम्मच ले रहे हो उसमें मिश्री और डाल के वो देते हैं। जाके अधिकारी बात करेंगे उनसे, फ़ोन पर बात करेंगे, अजी आप ना जाओ हमें यहीं बता दो, मतलब बहुत प्यार से बात करते हैं। मगर ये एक ही दिन प्यार से करें, मन से निकलो और चलो। ये हालात पुलिस के हैं। जो पंजाब बॉर्डर पर बैठे थे वो और SKM सब लोग, आप लोग सब अब एकजुट हो गए हैं, वहाँ से वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली आएंगे ही आएंगे। सरकार कह रही कि ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के आप ऐसे दिल्ली आइए। नहीं, ये जो कल की मीटिंग है ये बगैर ट्रैक्टर छोड़कर उसकी मीटिंग है ये कल, और जो पंजाब वाले बैठे हैं लोग वे ट्रैक्टर उठाना चाहते हैं। क्या लगता है ट्रैक्टर के बगैर भी आना ठीक रहेगा? आ तो ये सकते तो हैं अपना है, एक दिन की मीटिंग है तो बिना ट्रैक्टर को कर लेंगे। नहीं नहीं, जो पंजाब वाले किसान जो कह रहे हैं वो तो उनकी कमेटी है बनी हुई, तो वो तो वही बता सकते हैं, उनकी कमेटी है बनी हुई। लेकिन जो लेकिन अभी तो SKM भी शायद उसमें आप लोग पहले थोड़ी अभी नहीं SKM अभी नहीं, अभी तो उनको बाहर से हमने सपोर्ट किया है। अच्छा अच्छा, और एक 6 मेंबरी कमेटी बनाई है, वो कमेटी उनसे बातचीत करें। अच्छा, उनकी जो कमेटी है 6 मेंबरी SKM की कमेटी, अगर उनका आपस में, हमने कहा कि तालमेल होना चाहिए, जो दिल्ली से लोग इकट्ठा गए थे वो सब इकट्ठा हो, किसान अलग अलग ना बटे। नहीं तो पिछली बार जो आंदोलन हुआ जिसमें 700 किसान शहीद भी हुए, क्या क्या वादे हुए थे, और क्या यही टाइम बॉन्ड था कि इतने दिनों में हम वादे पूरे कर देंगे? सरकार ने हमारे से बात 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद कोई बात हुई ही नहीं। नहीं, वादा हुआ था ना कुछ, जिसकी वजह से आपने आंदोलन कागजों में दिया वादा, तो क्या था वादा? तो फिर क्यों अब क्यों आंदोलन करना पड़ा जब उस समय बातचीत पूरी हो गई? बातचीत कोई पूरी नहीं हुई ना, उन्होंने कोई वादा पूरा करा, लेकिन एक लिखित परसे में दिया था कि ये चीजें हैं हम इन पर अपना करेंगे और देंगे। वो तो 13 महीने आंदोलन को हो गए, तो कुछ लोगों को इलेक्शन की बीमारी थी लड़ देगी, और फिर 13 महीने आंदोलन बहुत होता है, पूरे देश ने पूरी दुनिया ने वो आंदोलन देखा।
जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष संघर्ष चले, ये तो संघर्ष चलेंगे लंबे, जमीन बचानी है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। तो ये जो कल का जो आंदोलन है आपका, इसका मुद्दा क्या है, क्या डिमांड भी वही है, बिजली अमेंडमेंट बिल है जो पहले वाले इशू थे और नए इशू हो आ जाते हैं, भूमि अधिग्रहण का भी बड़ा इशू है पूरे देश में, ये जमीनों को छीन रहे हैं, अब अधिग्रहण नहीं कर रहे, अब तो जमीन छीन रहे हैं कि कितने दिन में जमीन छीन जाए, फसलों के दाम नहीं मिलेंगे लेकिन जमीन छीन देंगे। कर्जा माफी का है, जो MSP गारंटी कानून, वो एक बड़ा सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है। आप पर आरोप लगता है, आप मानते क्यों नहीं, ये लोकतंत्र है, चुनाव के समय प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, सरकार पर दबाव जनता कब बनाएगी, चुनाव के समय ही बनाती है, क्या इसको प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए कि किसान चाहता है कि चुनाव का वक्त है, सरकार से हम प्रदर्शन करें, हमारी बातें मान लीजिए। ये तो एक बहाना क्वेश्चन है उनका, चुनाव में ये भी घोषणा करते हैं बहुत लोग, और आंदोलन तो करते हैं समय समय पे, आंदोलन करने चुनाव के समय ही सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, घोषणाएं करते हैं। अभी नहीं घबरा रहे, चुनाव से कुछ नहीं घबराने की उनको जरूरत, चुनाव पर तो उन्होंने काबू कर लिया। क्या काबू कर लिया? चुनाव पुनाव के उनके चक्कर में नहीं है ना, चुनाव है ना, देश में कोई चुनाव है, देश में कोई अब चुनाव है कहीं। तो क्या 2024 में ये जो लोकसभा की तैयारी हो रही है, बीजेपी कैंडिडेट घोषित कर रहा है, आप कह रहे हैं चुनाव ही नहीं है? कोरिया में भी तो कैंडिडेट घोषित हो, वहां पे भी पर्चे भरे जाते हैं ना, कोरिया में भी तो लोकतंत्र देश है कोरिया भी, तो यहाँ भी तो कह रहे कि 400 के पार। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, भारत में संविधान है, लोकतंत्र है, चुनाव आयोग है, अभी सुप्रीम कोर्ट देखिए कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज कर दिया, कहाँ पे है? एक काम बताइए जो मोदी जी का काम आपको लगे कि ये तानाशाह हो गए, आप नॉर्थ कोरिया से, आप साउथ कोरिया से तुलना कर रहे थे कि नॉर्थ कोरिया से, हम नहीं गए, आप बताइए। नहीं आप बताओ। नहीं आप तो कोरिया बोल रहे थे, कोरिया तो एक ही है, किंग जो नहीं, कोरिया दो है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है वो, ठीक है, वो तो एक ही है। देखो तो आप किंग जोन उनसे तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, तानाशाह तो देश को कहा, हम तो देश की सरकार तानाशाह है भाई, नहीं लग रही क्या आपको है? कैसे सारी भर्ती अभियान चल रहा है, सारे पार्टियां तोड़ दी, 20 संगठन बना दिए, किसी की बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। अरे तो जो लोग जिस पार्टी में चाहे जा सकते हैं, ये तो डेमोक्रेसी है। हाँ डर की भी डेमोक्रेसी है, डर से भी जा सके आदमी। कौन ऐसा काम प्रधानमंत्री ने कर दिया जो लगता है लोकतंत्र नहीं है? अभी इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो गया, देखिए प्रधानमंत्री का कानून था, प्रधानमंत्री ने कहाँ कुछ ऐसा किया है? चुनाव में तो जो लोग हैं, जो विधायक, जो सांसद आप चुन रहे हैं, जो इधर से उधर कर रहे हैं पार्टियां, ये तो हमेशा होती रही है राकेश टिकैत, अब ज्यादा हो रही, पहले नहीं होता था इतना, पहले चुनाव होते थे, डर चुनाव नहीं होता था पहले, अब ये कहेंगे कुछ नहीं करेंगे सारे काम। तो आपको लगता है बीजेपी सत्ता में आ रही है, 400 पार हो जाएगी, चुनाव जीत जाएगी? ये सर्टिफिकेट ही तो देते हैं, अरे वो जीत का, ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अल्ले भैया देख लेना, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर अभी इनके दो नारे आएंगे, एक नारा आएगा इनका वन डे वन सीट, तो 365 आ गया, फिर उसी में ये थोड़ा सा और आगे को बढ़ेंगे, कह लगे तो होगा, कह लगे धारा 370, तो 370 भी कर लो, तो ये आएगा, ये तो गुड़ा भाग के बड़े ज्योतिषी हैं ये, तो कैसे आती है भाई, जब जनता वोट देगी तो इनको कैसे पता है? लेकिन हम पॉलिटिक्स में आप हम नहीं चुनाव लड़ेंगे ना, तो आप भी कहेंगे कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, वो हर आदमी कहता है सर। चलो चुनाव का ये चल रहा है, ये तो त्योहार है इनका, ये तो होता रहे, हमारा तो नॉन पॉलिटिकल संगठन है, हम चुनाव उनाव में कहीं नहीं। तो सर अभी नाना पाटेकर ने कहा है कि सरकार अगर कोई चीज नहीं दे रही तो चुनाव में उसको हराइए, तो लड़ लेंगे ना, वही लड़ लेंगे जिनको चुनाव में हराना, वे तजर्बा ले ले चुनाव का भी। जयंत चौधरी चले गए उस पाले में, बड़े किसान सब चले जाएंगे, तीन तरह से लोग जा रहे हैं, जो इनका फार्मूला है, तीन दवाई काम करती है, एक है सम्मान का पद ले लो आप आ जाओ, राजा की निगाह जिस पे पड़ेगी उसको जाना पड़ेगा, सम्मान से आप आ जाओ सुबह के नाश्ते पे, दोपहर के लंच पे आप लालच में आ जाओ, और रात का जैसे ही अंधेरा होगा तो आप डंडे जाओगे, तो जाना तो पड़ेगा, राजा की निगाह पड़ती जाना पड़ेगा, एक बचेगा आंदोलनकारी,
सुबह के नाश्ते पे सम्मान साझो, आप कालीन बिछी मिलेगी, आप आओ आराम से, साहब को सम्मान का पद देंगे। कोई कह ले नहीं, मुझे थोड़ा सा लालच सा भी है जी, मुझे फैक्ट्री भी चलानी, मुझे होटल भी चलाना है, मेरा भट्टा भी चलेगा, तो कह लेगा ठीक है तू फेरे के लंच पा, अपना काम कर, ज्वाइनिंग कर। फिर तीसरा है कि जी नहीं मैं आना नहीं है, कह लेगा अच्छा चल रात को बताएंगे, तो रात को वो भी भर्ती हो जाए, तो भर्ती अभियान चल रहा। जो बच जाएगा, जो कह रहे हैं जो लंच डिनर ब्रेकफास्ट पे नहीं गया वो आंदोलन करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खारिज कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें तो वकील जवाब देंगे, हमारे अभी कुछ नहीं कहते, हमें तो कोई चंदा देता नहीं, और जिनको चंदा आना पॉलिटिकल पार्टी को वो आग लिया। आप लोग को भी चंदा नहीं मिलता? कौन दे रहा? किसानों को भी मिलना चाहिए, संगठनों को भी चंदा मिलना चाहिए। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ये सोशल रिस्पॉन्सिबल वही देगी, सरकार को देती है, किसी को ना दे रही हो। अभी चुनाव आयोग को लेकर भी विवाद चल रहा है। चुनाव आयोग में पहले जो प्रक्रिया थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, उसके बाद उसमें अब तो मंत्री रहेंगे, जज की जगह मंत्री रहेंगे, तो सुनवाई होनी है उस पर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें रहने चाहिए, रहने चाहिए। तो आप मान ली, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मंत्री नेता सब मैनेज हो रहे हैं, तो जज भी मैनेज हो सकते हैं? चलो जज के ऊपर नहीं कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए? अरे अभी एक बंगाल में देखे नहीं, एक जज साहब ने रिजाइन करके उन्होंने खुद कहा कि मैं बीजेपी के टच में था, बीजेपी मेरे टच में थी, गांगुली साहब। देखो 5 साल की इनकी प्रक्रिया है भाई, 5 साल में तोड़ देते हैं सबको। आप बताइए 2024 में क्या बीजेपी आ रही है, आपको भी लगता है? हम क्यों बता भाई, नहीं आ रही, हमें क्या पता, पॉलिटिक्स पे ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन ये इनका एक जरूर है, ये गंगा स्नान करवाने लेकर जाते हैं, धार्मिक बात करेंगे, फूलमाला चढ़ा के गंगा जी की धार में ले जाएंगे किसी को भी, और ले जाके फिर वहां पे उसको डुबो देते हैं, जिनके साथ में जाएगा जाएगा, वो 5 साल में चल जाओ, 10 साल में चल, क्या होगा 2024 जब किसान नाराज है? आप मैंने आपको पिछले 1 साल से वॉच कर रहा हूँ, मैं 2 साल से, कोई ऐसा राज्य है जहाँ आप नहीं गए? नहीं, हमारे का कोई राज बचा है जहाँ आप नहीं गए पिछले 1 साल? हमारा इशू जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, सरकारों की पॉलिसी अगर गलत होगी तो हमारे मूवमेंट चलेंगे। नहीं, किसान जब विरोध में है तो वोटर तो सबसे ज्यादा किसान ही है ना, तो किसान ही वोट नहीं करेगा नहीं, तो सरकार तो सब जातियों में, धार्मिक उसमें, भाषावाद में सब बटे हुए रहते हैं किसान। किसान की क्या लगता है, किसान आजकल खेती किसानी नफे का तो नुकसान का सौदा है, तो जब ही तो ये आंदोलन होते हैं, इनको चाहिए कि देश में लेबर पैदा हो, एक बड़ी मार्केट यहाँ पे मिले, और किसान की जमीन जाएगी। अगर आप पूरे सर्वे करोगे हाईवे के, तो वो जमीन ने व्यापारी के पास में 50% जमीन व्यापारी के पास में चली गई, 2047 तक ये 80-90% जमीन व्यापारी के पास में चली जाएगी। एक गंभीर आरोप लगता है कि किसान और मजदूर में सामंजस्य नहीं है, आप लोग मजदूरों को तो दे नहीं रहे हैं कुछ, मजदूर आप ऐसे ही पंजाब के किसान वैसे ही सस्ता मजदूर लाते हैं बिहार से बंगाल से, किसान जो बड़े किसान है वो मजदूरों को कुछ दे नहीं रहे, तो आप ऐसा नहीं है, वो एक एलिगेशन, ये मजदूर और किसान को अलग अलग बांट रहे, जो पंजाब से आता है वो किसान है, पंजाब से चलेगा वो, जो बिहार से आएगा वो किसान है, बाहर जाएगा तो लेबर बन जाता है वो, क्योंकि पूरे देश में किसान को तो उनकी भी तो सैलरी बढ़नी चाहिए, तनख्वाह बढ़नी चाहिए ना, अगर एमएसपी लागू होती है तो बढ़नी चाहिए, उनकी भी बढ़नी चाहिए, वे ही कहाँ जाएंगे, वो आप लोग के एजेंडे में नहीं होता है, सब हमारे एजेंडे में है। अच्छा, एक अजयंत कह रहे थे कि अगर एमएसपी लागू हो गया तो बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, भाई वो तो जब वहाँ चले जाते हैं तो भाषा वही बोलनी पड़ती है, जिसकी छतरी लग जाती है तो फिर उसके नीचे बैठना तो पड़ेगा। ये सच है, एमएसपी अगर सरकार देगी तो किसानों की वही वही बताएगा, नहीं तो एमएसपी आने से तो महंगाई बढ़ेगी ना, क्यों अब महंगाई कम है क्या? एमएसपी तो है, ये किसी ने कहा कि एमएसपी नहीं है, एमएसपी है, एमएसपी गारंटी कानून, जो व्यापारी सस्ते में खरीदता है वो भारत सरकार। साहब, हरियाणा पंजाब के किसानों को एमएसपी मिलता है, वो खुशहाल हुए? नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो आप बिहार यूपी इन किसानों को क्यों नहीं समझा रहे कि भैया तुम्हारी भी किस्मत बदल जाएगी एमएसपी की मांग? उन्हीं की तो लड़ाई है, और पंजाब और हरियाणा का भी नहीं बिक रहा, जो व्यापारी सस्ते में खरीदता है
वो एमएसपी पे बेचता है, 40% किसान से खरीद होती है, 60% व्यापारी से। अरे एक और सवाल है, किसान अगर जमीन दे दे कॉरपोरेट को और घर में तेल लगा के बैठे रहिए, आपको बढ़िया पैसा मिले, बढ़िया सब कुछ हो जाए, तो क्या दिक्कत है? अमेरिका, दुनिया, यूरोप में जो खेती होती है, किसान बहुत रिच हो गए। मजदूर बनेगा ना, लेबर बनेगी वो, फिर जमीन वे भी खेती करेंगे, वो कैसे फायदा करेंगे? तो ही पॉलिसी किसान को, कॉर्पोरेट खेती होगी ना, मतलब बड़ा बड़ा लैंड होगा और फार्मिंग होगी बड़ी बड़ी, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आएंगे, बड़े बड़े वायर हाउस बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ विकसित भारत बनेगा, उसमें आप लोग रो, किसान विकसित भारत में रो रहा है। जमीन छीनने का ही तो प्लान है, यहाँ पे लेबर चाहिए देश। तो जमीन छीन के वो कहाँ ले जाएंगे? अपने साथ तो ले जाएंगे कि यही रहेगा ना? लेबर चाहिए ना इनको, उनको लेबर चाहिए, जमीन से लेबर आएगी। तो ये प्लान है किसानों से, हमने कह रखा कि जमीन नहीं बेचनी, कोई डॉक्टर बन जा, कोई कुछ भी कर जा, कोई इंडस्ट्रीज लगा ले अपनी, लेकिन वो फायदा करके फिर जमीन ही खरीदता है। हमारे पास वो जमीन है, जमीन को बचा कर रखो, 30 साल जिस आदमी ने जमीन बचा ली वो राजा रहेगा। जिसके पास जमीन उसी के पास वही सम्मानजनक जिंदगी जी पाएगा। जमीन मत बेचो, संघर्ष करो, जमीन नहीं बेचनी, ये बड़ी बात है। जमीन का जो मसला है ये बड़ी बात है। और लेकिन एक चीज इसमें राकेश जी आप पर आरोप लगा कि आप रिफॉर्म के पक्षधर नहीं है, लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। जिस तरह से इस देश में हरित क्रांति हुई, जमीन है तो उसमें ज्यादा उपजाऊ, अगर कॉर्पोरेट क्या करना है, उपजाऊ ज्यादा करके जितनी ज्यादा पैदावार करोगे उतना ही किसान कर्ज में जाएगा। ये तो जिस दिन किसान समझ जाएगा, एग्रीकल्चर हड़ताल जिस दिन देश में होनी शुरू हो जाएगी ये उस दिन ठीक हो जाएगी सरकारें, एग्रीकल्चर हड़तालें। अभी आपने देश में लेबर हड़ताल देखी, जिस दिन किसान हड़ताल शुरू कर देगा वो समझ जाएगा तो उस दिन ठीक हो जाएगा। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, पता नहीं भाई, हमें तो नहीं। ये बड़ा मसला है। देखिए किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, जो सीमांत किसान है, जो किसान है उनके बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनकी ज़िंदगी भी बदलनी चाहिए। भारत में फिलहाल किसानों की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन सवाल वही है, कई सारे सवाल भी हैं कि अगर किसानों को MSP मिलता है तो महंगाई बढ़ेगी, ये जयंत चौधरी कह रहे हैं। मजदूरों की बात नहीं हो रही है, लेकिन किसान जो है वो अपनी ज़मीन बचाने में फिलहाल कामयाब होते दिख रहे हैं, कामयाब हैं। और वो लगातार कॉर्पोरेटाइजेशन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो ज़मीनों का जो औद्योगिकीकरण है उसके खिलाफ है, और उनको लगता है कि हमारी ज़मीनें चली जाएगी तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। किसान जो है वो ज़मीन को सम्मान से जोड़कर देख रहा है। और इसी कड़ी में जहां पंजाब के किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कल रामलीला मैदान में दिल्ली में किसानों का ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी किसान भी है। कैमरा आशीष के साथ शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएँ। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।